ये कहानी है गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की जिसने 180 लोगों की हत्या कर चुके डाकू वीरप्पन को मार गिराया। ये कहानी है 1975 बैच के आईपीएस अधिकारी कृष्णन विजय कुमार की। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो बनाया था। इसमें मैंने पुलिस ऑफिसर के यूनिफॉर्म पर लगे इन रिबन्स के बारे में बताया था और इसी वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आईपीएस कृष्ण विजय कुमार की बायोग्राफी पर वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। तो अपने उसी वादे को पूरा करते हुए आज इस वीडियो में हम लोग आईपीएस के विजय कुमार के बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने उस डाकू को कैसे मार गिराया जिसके सर पर 50 करोड़ का इनाम था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृष्णन विजय कुमार का जन्म 15 सितंबर 1952 में केरल में हुआ पर उनकी परवरिश तमिलनाडु में हुई। कृष्णन विजय कुमार के पिता पुलिस में थे। वो अपने पिता को अपना हीरो मानते थे और बचपन से ही वह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते थे। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम निकाला। हालांकि उनका मार्क्स इतना अच्छा था कि उन्हें आईएएस आसानी से मिल जाता, पर उन्होंने आईपीएस ही बनना चुना और 1975 में तमिलनाडु काडर के आईपीएस अधिकारी बने। और उनके करियर का हाई टाइम तब आया जब उन्होंने वीरप्पन को बीच सड़क में गोलियों से छल्ली कर मार गिराया। वीरप्पन एक डाकू, तस्कर, कातिल और अपहरणकर्ता था जिसे सभी लोग खौफ खाते थे। वीरप्पन कोई साधारण डाकू नहीं था। वीरप्पन 180 से भी ज्यादा लोगों का हत्या कर चुका था। वीरप्पन का जन्म 1952 में कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। वीरप्पन के पिता और उसके परिवार के बाकी सदस्य पोचर्स थे, यानी पैसों के लिए जानवरों का अवैध शिकार कर जानवरों की स्मगलिंग करते थे और वीरप्पन इसमें अपने परिवार वालों की खूब मदद करता था। पर वीरप्पन अपने परिवार वालों से बहुत ज्यादा ही आगे निकल गया। वीरप्पन हाथियों को मारकर उनके दांतों का स्मगलिंग करता था और ऐसा कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपने जीवन काल में 2000 से भी ज्यादा हाथियों को मारा था। और वीरप्पन जब महज 17 साल का था तब उसने एक फॉरेस्ट गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया था। पर वीरप्पन यहाँ रुका नहीं। कुछ ही वर्षों में वीरप्पन ने डकैतों और स्मगलर्स का एक गैंग बना लिया जो हाथी दांत और चंदन की लकड़ियों का बड़े पैमाने में तस्करी करता था। वीरप्पन का खौफ कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के दिल में बसा था और लोग डरे भी क्यों ना। वीरप्पन 180 से भी ज्यादा लोगों का हत्या कर चुका था। और आपको एक चौंका देने वाली बात बताऊं, वीरप्पन ने आईपीएस ऑफिसर टी हरिकृष्णा और कर्नाटक के सिटिंग एमएलए हानूर नगप्पा की भी हत्या कर चुका था और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने वीरप्पन के ऊपर 50 करोड़ की इनामी राशि भी घोषित कर रखी थी। वीरप्पन की तलाश कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस 30 सालों से कर रही थी और फिर आईपीएस कृष्णन विजय कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का गठन किया गया जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक के पुलिस ऑफिसर शामिल थे और इस एसटीएफ का केवल एक मकसद था, वीरप्पन का खात्मा। आईपीएस कृष्णन विजय कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ के द्वारा ऑपरेशन कुकुन चलाया गया जिसमें 18 अक्टूबर 2004 के दिन वीरप्पन को गोलियों से छल्ली कर मार गिराया गया। और इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए आईपीएस कृष्णन विजय कुमार को 2005 में प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं इस जैसी वीडियोस के अलावा सिविल सर्विसेज के ऊपर यूपीएससी प्रिपरेशन पर और मोटिवेशनल वीडियोस रेगुलरली बनाता रहता हूँ। साथ साथ मैं फेमस आईपीएस ऑफिसर्स के बायोग्राफी पर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। कृष्णन विजय कुमार प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के अलावा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, पुलिस कठिन सेवा पदक और प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस से भी सम्मानित हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप इन सब मेडल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आईपीएस कृष्ण विजय कुमार अपने करियर के दौरान काफी महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दे चुके हैं, जैसे कि वो 1985 से 1990 तक एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का हिस्सा थे। इसके अलावा वो 2008 में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर और 2010 से 2012 तक सीआरपीएफ में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। और तो और, कृष्णन विजय कुमार कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर बीएसएफ में भी सेवा दे चुके हैं। हालांकि वो 2012 में ही आईपीएस से रिटायर हो चुके हैं पर वो आज भी गृह मंत्रालय में सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर सेवा दे रहे हैं। कृष्ण विजय कुमार अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। 69 साल के होने के बाद भी वो काफी जवान दिखते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वो पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे तब पुलिस अकेडमी के उस समय के डायरेक्टर एसएम डियाज ने कहा था कि पूरे पुलिस करियर के दौरान आप लोगों का बेल्ट साइज कभी चेंज नहीं होना चाहिए। कृष्ण विजय कुमार को किताबें पढ़ना काफी पसंद है और उन्होंने वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड नाम की एक किताब भी लिखी है जिसमें उन्होंने वीरप्पन के बारे में ही बात किया है और वीरप्पन को पकड़ने में जो संघर्ष किया है उसके बारे में बताया है। और आईपीएस कृष्ण विजय कुमार का कहना है, इफ यू गिव योर ब्लड, टीयर, टॉयल एंड स्वेट, नोबडी कैन स्टॉप यू।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका सपना एक IPS बनने का है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। और कृष्णन विजय कुमार के तरह ही एक और डेयर डेविल IPS ऑफिसर की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। और अगर आप स्टेट पुलिस की रैंकिंग और रैंक के अनुसार उनके पावर्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।